कहते हैं गलतियां ही इंसान की सबसे बड़ी टीचर होती हैं, और अगर आप खुद एक टीचर हैं तो गलतियां ना करें, इसलिए जो टीचर हैं वो बनाते हैं लेसन प्लान। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। अपने आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान जो है वो होता क्या है, किस लिए बनाया जाता है, और लेसन प्लान जो है वो कितना इफेक्टिव है क्लासरूम टीचिंग के लिए, या फिर अगर आप फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो ग्राउंड में किसी स्किल को सिखाने के लिए। लेसन प्लान जो है वो एक सिस्टमैटिक टूल होता है जो टीचर को गाइड करता है कि वो अपना कंटेंट जो है वो बच्चों तक कैसे पहुंचाएगा। आपको जो भी चीज सिखानी है वो तो आपको पता है, पर जो भी आपको चीज सिखानी है वो आप कैसे सिखाएंगे, आपको कितने वक्त में क्या चीज सिखानी है, सबसे पहले आपको क्या बताना है और बाद में आपको क्या बताना है, इन सारी ही चीजों को हम एक जगह लिखते हैं, एक जगह रखते हैं और उनको प्लान करते हैं। उसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान एक ड्राफ्ट होता है जहां आप इन सारी चीजों को मेंशन करते हैं कि आपको क्या चीजें कब और कैसे पढ़ानी है। लेसन प्लान जो है वो एक टीचर को कॉन्फिडेंट बनाता है, उसे जाकर क्लास में सोचना नहीं पड़ता कि उसे क्या चीज पढ़ानी है, कब पढ़ानी है और कैसे पढ़ानी है। लेसन प्लान बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो क्लास लेने जा रहे हैं उस क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, उस क्लास में जो बच्चे हैं उनका एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है, और आप जहां क्लास लेने जा रहे हैं उस क्लास का ड्यूरेशन क्या है। क्योंकि जब भी आप अपना लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको ये सारी चीजें जब पता होंगी तभी आप एक इफेक्टिव लेसन प्लान बना सकते हैं। आपका एक इफेक्टिव लेसन प्लान आपकी जो क्लास है उसको एक इफेक्टिव क्लास बनाता है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान की, या फिर आपके लेसन प्लान के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, द वेरी फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि अगर आपने लेसन प्लान में लिखा है कि आपको ये कंटेंट ही पढ़ाना है और किसी बच्चे ने उसके अलावा कुछ पूछ लिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे डिनाई कर देंगे कि ये आपके लेसन प्लान का पार्ट नहीं है, सो यू कांट टेल। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। आपका लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों की क्यूरियोसिटी को भी उसका हिस्सा बना सके। सेकेंड थिंग, इट शुड बी स्पेसिफिक। जब भी आप लेसन प्लान बनाए तो आप कोई भी एक स्पेसिफिक कंटेंट को ले। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू किया है टीचिंग मेथड को पढ़ाना और आप पहुंच गए एनाटॉमी को पढ़ाने के लिए। वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं क्लास में, आप उसी ही टॉपिक को, उतने ही टॉपिक को कवर करें। एंड द थर्ड थिंग इज इट शुड बी रियलिस्टिक इन नेचर। आप एक ऐसा लेसन प्लान बनाएं जो एप्लीकेबल हो सके। कोई ऐसा लेसन प्लान नहीं बनाना है जो सिर्फ इमेजिनेशन में पॉसिबल हो। आपका लेसन प्लान जो है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो, आप उसे क्लास में बच्चों के साथ उसे अप्लाई कर सके। दैट फोर्थ थिंग इज इट शुड हैव टाइम बाउंड। आपका जो लेसन प्लान है या फिर आपको जो भी टाइम अलॉटेड है उस पर्टिकुलर क्लास को लेने के लिए, इट मे बी 40 or 45 minutes, तो आपका लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो आपका उतने टाइम में कवर हो जाए। आप ऐसा लेसन प्लान नहीं बनाए जो आपका उस टाइम से ज्यादा हो या फिर उस टाइम से बहुत पहले ही खत्म हो जाए। लेसन प्लान बनाते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जितने भी टाइम हमें अलॉट किया गया है उतनी देर तक हम एक एक्टिव इंटरेक्शन बच्चों के बीच में रख सके। एंड द लास्ट थिंग इज इट शुड हैव ऑब्जेक्टिव। आप कोई भी लेसन प्लान बनाए उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब आप कोई ऐसा कंटेंट ना लेके जाए या फिर कोई ऐसी चीज ना पढ़ाए जिसका उनसे कोई सारोकार नहीं है या फिर जिसका उनके लिए कोई उद्देश्य ही नहीं है। जब भी आप कोई लेसन प्लान बनाए उसके लिए आपको सोचना है कि उन बच्चों के लिए वो किस तरह हेल्पफुल होगा, या फिर जो आप पढ़ा रहे हैं वो उनके लिए काम का है भी या नहीं। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ लेसन प्लान की, या फिर एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान क्यों जरूरी है बनाना, या फिर लेसन प्लान के क्या क्या इम्पोर्टेंसेस होती हैं। सबसे पहली चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप एक लेसन प्लान बनाने के बाद क्लास लेने जा रहे हैं तो आप जैसे ही क्लास में एंटर करेंगे आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ाना है। सो यू वुड बी कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ किड्स। आपको उनके सामने जाकर ये नहीं करना पड़ेगा कि अरे अब क्या पढ़ाना है, सोचना है। तो आप जैसे ही क्लास में एंटर करेंगे आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। देन नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। क्योंकि आप एक लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप कोई भी टीचिंग मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि आप जो क्लास लेने जा रहे हैं उनका क्या जेंडर है,
बच्चे हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, तो आप वैसे ही कोई भी टीचिंग मेथड जो उनके लिए सुटेबल हो आप वो मेथड वहां पर उन बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होगी। एंड द थर्ड थिंग इज क्रिएट इंटरेस्ट। अगर आप एक लेसन प्लान बना के लेके जा रहे हैं जिसमें आपने टीचिंग एड्स को मेंशन किया है, जिसमें आपने कुछ ऑडियो विजुअल एड्स या फिर कोई मॉडल, कोई चार्ट, कोई बैनर, इन सारी चीजों को अगर आपने उसमें इन्वॉल्व किया है, तो वो जो है एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है बच्चों के लिए, और आपकी जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें आप ज्यादा इंटरेक्शन खुद का बच्चों के साथ बना सकते हो। एंड द लास्ट वन इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जब आप एक लेसन प्लान बनाते हो तो वो चीज आपको अच्छे से समझ में आती है, तभी आप बच्चों को समझा सकते हो। एक कोट है, इफ यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग सिंपली, सिंपली यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग। मतलब अगर आप सिंपल भाषा में समझा नहीं पा रहे हैं तो सिंपल भाषा में आप समझा ही नहीं रहे हैं। जो लेसन प्लान है वो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप उस चीज को खुद भी समझ सके और आप जिन्हें समझा रहे हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से समझा सकें। लेसन प्लान के मेरिट्स है, एडवांटेज होने के साथ साथ उसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं जो कुछ लोगों ने मेंशन किए हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इट इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको अपना लेसन प्लान जो है उसे प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको आपको लिखना पड़ता है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि आप अपने लेसन प्लान को स्पेसिफिक बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस करने का मतलब है कि आप उतनी ही चीज पढ़ाएंगे जितनी आप तैयार करके गए हैं, उसके अलावा आप चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। देन एक और चीज है, देयर इज लेस स्कोप फॉर क्रिएटिविटी। अगर आप चीजें पहले से प्रिपेयर करके गए हैं और आप वैसे ही लेसन प्लान ले रहे हैं तो ये भी कहा जाता है कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो स्पॉन्टेनियस थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सो इससे एक चीज कह सकते हैं कि एक अच्छे लेसन प्लान से आपकी टीचिंग भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर भी एक लेसन प्लान जो है वो टीचर के लिए हेल्पफुल होता है अपनी क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए, और खुद टीचर को हेल्प करता है जो वो चीजें बताने जा रहा है वो सिस्टमैटिक मैनर में हो। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेसन प्लान की। अगर आप नॉर्मल टीचिंग की बात करेंगे, क्लासरूम टीचिंग की बात करेंगे, तो सिर्फ एक ही तरह का लेसन प्लान होता है, वो है क्लासरूम टीचिंग के लिए। लेकिन क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए जो है वो दो और लेसन प्लान हो जाते हैं जो हम क्लास में नहीं ग्राउंड में लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज जनरल लेसन प्लान एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक लेसन प्लान। बात करें क्लासरूम टीचिंग की, तो क्लासरूम टीचिंग मतलब जब आप क्लास में क्लास लेने जाते हैं, जो कि एक फॉर्मल टीचिंग का मेथड है जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, दैट इज क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग के लिए जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आप वो क्लास के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। वहां पे आप एवी एड्स यानी ऑडियो विजुअल एड्स डाल सकते हैं, आप वहां बहुत सारे टूल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपके मॉडल्स, प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्टर, ऐसे बहुत सारी चीजें आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। बट हम जनरल लेसन प्लान और स्पेसिफिक लेसन प्लान की बात करें जो कि फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में इम्पॉर्टेंट है, तो जनरल लेसन प्लान वो होते हैं जहां आप कोई भी जनरल एक्सरसाइज, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज जिनको हम फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कहते हैं, ऐसी कोई एक्सरसाइज सिखाते हैं जो किसी स्पेसिफिक गेम से रिलेटेड नहीं होता है। ऐसे किसी भी एक्सरसाइज को सिखाने के लिए जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसे जनरल लेसन प्लान कहते हैं। जनरल लेसन प्लान का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी जनरल होता है, वहां कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। बट अगर बात करें स्पेसिफिक लेसन प्लान की, तो स्पेसिफिक लेसन प्लान किसी पर्टिकुलर गेम की किसी स्किल को सिखाने के लिए होता है। सपोज अगर आप बास्केटबॉल की बात करें तो वहां पे लेअप शॉट सिखाने के लिए, ड्रिबलिंग सिखाने के लिए, डिफेंस या ऑफेंस की टैक्टिक्स सिखाने के लिए, ऐसे बहुत अलग अलग स्किल सिखाने के लिए आप लेसन प्लान बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक लेसन प्लान। तो जनरल लेसन प्लान और स्पेसिफिक लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके फॉर्मेट का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट देयर। जो भी लेसन प्लान होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक क्लास के लिए हो, एक वीक के लिए हो या फिर एक मंथ के लिए हो। प्लान का मतलब या प्लानर जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप किसी स्कूल में एज अ टीचर जॉब कर रहे हैं तो आपको वहां पे एनुअल प्लानर, मंथली प्लानर, वीकली प्लानर,
एंड डेली प्लानर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे आपको बनाना होता है। पर अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं, कहीं पे आप बीपीएड कर रहे हैं और आपको लेसन प्लान बनाने हैं, तो वो आपको सीखने के लिए बनाने होते हैं। तो वो लेसन प्लान आप पर्टिकुलरली क्लास के लिए बनाते हो। बट आपको प्रोजेक्ट अगर मंथली प्लानर बनाने के लिए दिया जाए या फिर ईयरली प्लानर बनाने के लिए दिया जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। लेसन प्लान जो है वो बेसिकली आपकी चीज को सिस्टमेटिक करता है। तो लेसन प्लान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक टीचर है या फिर स्टूडेंट के लिए भी, समझने के लिए कि उसे कौन सी चीजें कब कराई जाएंगी। इफ यू वॉन्ट मोर अबाउट लेसन प्लान, यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। यू कैन गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस पीडीएफ्स इफ यू वॉन्ट। टिल दैट कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।